छोटा सा और गीत भी चाह रही हूँ, जैसे वंदना छोटी सी हो गई है वैसे गीत भी रजिस्टर में कोई छोटा सा निकल आए आदमिया रोशनी जी के लिए, क्योंकि मेरी अपेक्षा उन्हें समय लगेगा, पहली पार्टी की अपेक्षा दूसरे कलाकार को लगता है समय। ये 101 मुद्राएं सरेनी शहीद स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से आपके पूरी संस्था को धन्यवाद है। फिल्मी गीत कह रहा है और चूंकि कीर्तन में धुन बता देते हैं कलाकार, तो बंबई वालों ने बहुत पहले गीत निकाला कि मैं प्यासा राही तू बन घट की रानी, मौसम को देखते हुए गीत रजिस्टर से निकल आया है कि मैं प्यासा राही तू बन घट की रानी, बुझा प्यास दिल की तेरी मेहरबानी, हटा छा गई है तो बहार आ गई है, हटा होती है। और हमारे आदरणीय करुणाशंकर बाबूजी ने कहा क्रांतिमाला जी आप ही शुरू कर दीजिए, हम लोग तो आए हैं इसीलिए हैं, तो मैं निवेदन कर रही हूँ इस उथल पुथल में कहीं व्यवस्थित हो जाइए। और बड़ा अच्छा लग रहा है इधर सब लोग बैठकर बड़े आनंद से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आदरणीय रोशनी जी पहला गीत है और बात लगभग सब वही है जो कलाकार गाते हैं, और आजकल जनता इतनी होशियार इतनी समझदार है कि जनता के आगे कलाकार मूर्ख होता है, फिर भी कलाकार अपनी बात रखता है और जनता उसको सराहती है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। प्रसंग लगभग वही है लेकिन सुनाने का तरीका है कैसे? अब उनके गीत में बंबई वाले कह रहे हैं घटा छा गई है तो बाहर आ गई है, उनके गीत में घटा के छाने से बाहर आ रही है, लेकिन जरा देखिए मेरे गीत में कैसे बाहर आ रही है। पहली बात सुनिए, मांगी नाओ ना केवट आना आप समझ गए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित केवट के घाट पर पहुंच गए और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, मांगी नाओ ना केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहू सब कहाई, मानुष करनी मोर कछु आहाई। केवट ने राम को ऐसे ही नाव पर नहीं बिठाया, केवट ने कहा प्रभु आपको पहले अपने चरण धुलाने पड़ेंगे, क्योंकि छुवत शिला भई नारी सुहाई, आपके आपके चरण छूने से पत्थर की शिला नारी बन जाती है, कहीं आप मेरी लकड़ी की नाव में बैठ गई ये भी नारी बन जाएगी तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेल
कठिनाई तरन्यो मुनि हरनी होई जाई पाट परई मोरी नाओ उड़ाई तो यही प्रतिपालहु सब परिवार। गीत को समझिएगा, भगवान श्री राम सोच रहे केवट बड़ा जिद्दी है, मुझे नाव में पैर धुलाने के लिए बिठाने के लिए कह रहा है। भगवान ने कहा केवट तू सबसे पैर धुलाने की बात नहीं करता, तो केवट कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूँ आपके चरणों में कितना जादू है, कितनी शक्ति है, और इस नाव को चलाकर मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ, इसलिए यही प्रतिपालू सब परिवार। नहीं जानो कछु कबर अबा के नहीं जानो कछु अवर कबारू तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। बात है बेटे रोशनी जी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जे ही तब नाओ न जाई तो बेन आनु जल पाए पखारू होत विलंबु उतार ही पारू तो केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर लई। चरण धुलाने लगा अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। जब पखारन लगा तो कहने लगा पग को बना करके पारस गौटी इंटरप्राइजेस सरेनी प्रोपाइटर भैया हमारे पीरू भाई आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है और 21 मुद्राएं हमारे बउआ भैया के लिए उमेश दिनेश जी की ओर से 21 मुद्राएं रघुनंदन साउंड सर्विस के माध्यम से और इस गीत पर भैया ने लिखा सुंदर सिंह जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है 101 मुद्राएं डॉक्टर शिखर सिंह जी की तरफ से है बहुत बहुत धन्यवाद है और 51 मुद्राएं ललऊ सेठ सरेनी के माध्यम से सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से 51 मुद्राएं भैया सुरेश साहू जी आपके कर कमलों से हैं सभी दानदाताओं को हृदय से नमन कर रही हूँ। सुनिएगा सुनिए क्या कर रहे हो भैया जल्दी निपटा ले उसको इसीलिए पहले कलाकार शुरू नहीं करता था इतने आराम से गुब्बारे फोड़ रहे हो जैसे इसी के लिए बिठाया गया तुम्हें अपने फोड़ना बहुत महंगा है। केवट भगवान श्री राम को नाव में तो बिठाता है चरण धुलाकर लेकिन कहता है प्रभु क्या के पग को बना करके पारस और पाराम रस रस ना खोली तो भूषित है जो भव्य भूषण भावन क्योंकि भगवान के सामने उसके भाव भरी झोली फैली है और केवट ने कहा कि हे राम के दया देख उस पर दया नाथ की चरण पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं आज बड़ी सहजता से और अपने हटीपन से वो चरण धो रहा है तो भगवान श्री राम सोच रहे हैं के दया देख उस पर दया नाथ की देवों की दृष्टि भी ललचा गई है के देवों की दृष्टि भी ललचा गई है लेकिन के
सेवक राम से कह रहा है कि हे राम, मेरे इस घाट पर के आप आ गए हैं तो बहारा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप लोगों से ही सीखा है हम लोगों ने और आप सबके आशीर्वाद से हम बच्चे जो हो पा रहा है कर रहे हैं। सभा बेटे शाबाश। चाचा हमारे आदरणीय श्री सोहन बैरागी जी, आपके कर कमलों से इन पंक्तियों पर 101 मुद्राएं हैं। चाचा को प्रणाम है मेरी तरफ से, आपका आशीर्वाद जारी हो। एक अच्छे रचनाकार, एक अच्छे संचालक, एक अच्छे गायक, लगभग सब गुण संपन्न है आप। धन्यवाद है चाचा। मसाला तो थूक दे भैया। उमेश बेलहा आपकी तरफ से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। तो दया देख उस पर दया नाथ की, देवों की दृष्टि भी ललचा गई है। गीत पर आदरणीय राम अवतार शिकारी आपकी तरफ से 51 मुद्राएं। भैया को हृदय से धन्यवाद है। और जो लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन है, इधर बैठ जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा बाबू जी। हाँ, अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगली पंक्ति सुनिएगा आदरणीय रोशनी जी। मैंने अपने गाने में 3 पात्र लिए हैं। पहले पात्र में केवट कह रहा है प्रभु राम से कि हे प्रभु, मेरा एक युग एक जन्म बीत गया, आज आपके चरण धोने को मिल रहे हैं, तो आज आप मेरे घाट पर आ गए हैं तो बहार आ गई है। अब यहाँ कोई घटा नहीं छा रही है, किसी के आने से बहार आ रही है। दूसरी जगह देखिए, कौन कह रहा है और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, शबरी देख राम ग्रह आए। शराब दे दिया होगा। शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। और शबरी ने प्रभु राम को देखा तो प्रेम मगन मुख वचन ना। भक्त की स्थिति जब भगवान खड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ना वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पागल हो जाता है। और शबरी की हालत भी वैसी हो गई, तो प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और सादर जल ले चरण पखारे। उस भीलनी से अपनी औकात के हिसाब से जितना हो सकता है वो राम की सेवा में समय दे रही है, भगवान के चरण धो रही है, जूठे पैर रोज लाकर रखती है, और आज वो खिलाने का समय आ गया। तो सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सादर आसन बैठारे, पानी जोरी आगे भैठारी, प्रभु विलोक प्रीत अति बाही। लेकिन गीत को छोटा कर रही हूँ, चौपाई दोहे तो बहुत हैं। शबरी ने जो आसन बिछाया उस पे राम को बिठाया और सोच रही है कि अबला है अपलक निहारे, अपलक यानी उसकी पलके भी नहीं झपक रही है, राम को देख रही है। अबला है अपलक निहारे, और प्रभु आगमन की थी आशा, तो परम प्रेम पथ में प्रदर्शित के परम प्रेम पथ में प्रदर्शित, तो कुछ ना विदित भक्ति भाषा।
शब्दों में नहीं ढाल सकते। ऐसी हालत है शबरी की, और शबरी सोच रही कि हे राम हे राम, मानो बिलग नीर से मीन कोई से मीन कोई, जैसे कोई मछली पानी से अलग रहकर तड़प रही थी, आज शबरी रूपी मछली को राम रूपी जल मिल रहा है और वो जीवन पा रही है। तो शबरी ने कहा कि मानो बिलग नीर से मीन कोई, जलज छाए अंबर में जल पा गई है। तो आज इस गरीब शबरी की कुटिया में है राम के आप भैया। हमारे छोटकऊ होटल वाले लखन भैया के बगल में आप रहते हैं, धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं राजा भाई जेंट्स पार्लर लखन भैया के सामने, प्रोप्राइटर अमर पंडित का पुरवा राजा भाई जेंट्स पार्लर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं सम्मानीय आदि भैया हमारे श्री शशि शंकर वाजपेयी जी आपकी तरफ से हैं, वाजपेयी जी को भी धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं डॉक्टर राम अवध सिंह जी अमेठी के हैं, आप डॉक्टर साहब को धन्यवाद है मेरी तरफ से। 101 मुद्राएं सम्मानीय आदमी सूबेदार नरेंद्र बहादुर सिंह जी, नरेंद्र भैया के माध्यम से पुरस्कार है, आपको भी धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं रजनीकांत शर्मा जी, लखनऊ से आप आए हैं, क्या बात है। और लखनऊ से जो भी लोग आए हैं सबको नमन है मेरी तरफ से। 201 मुद्राएं भैया ने इस गीत पर प्रदान किए हैं आदरणीय देवेश साहू जी प्रधान लखनापुर, आपकी तरफ से माननीय प्रधान जी को धन्यवाद है, धन्यवाद है। और 21 मुद्राएं भैया पुत्तू माली आपकी तरफ से हैं, माली जी को भी धन्यवाद। और 51 मुद्राएं भैया हमारे मंच पर पीछे बैठे हैं, नाम नहीं मैं जान पाई, आपकी तरफ से हमारे बउआ भैया के लिए ढोलक पर भैया को हृदय से धन्यवाद है। तो आप आ गए हैं बहार आ गई है, तीसरी बार वहीं चलो अभी गीत खत्म नहीं हुआ। तीन पात्र, पहले केवट कह रहा है फिर शबरी कह रही है, तीसरी जगह देखिए। हर्षित भगवान श्री राम रावण को मारकर जिस समय पुनः अयोध्या नगरी में लौटे तो फिर गोस्वामी जी ने लिख दिया, राम जब भैया भरत से मिल रहे हैं सबसे ज्यादा खुशी का पल वही है। खुश तो पूरी अयोध्या नगरी है, सभी है, लेकिन जब भाई भाई से मिल रहा है। भरत जी राम जी के चरणों में लिपट गए कि मेरे भैया राम आए, तो गोस्वामी जी ने देखिए कितना सुंदर चित्रण किया। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पहला प्रसंग अयोध्या कांड से, दूसरा प्रसंग अरण्य कांड से है, और तीसरा प्रसंग जो दे रही हूं उत्तर कांड से है, ध्यान रखना उसी मानस में सुनिएगा। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए, भरत को सीने से लगा लिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ जाना। भैया भरत ने जब भैया राम को देखा तो सोच रहे हैं
तरस तरस 14 बरस तक। कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं पाती और वही हाल दोनों भाइयों का है। तरस तरस 14 बरस तक हरस ना सके अवधवासी, भरत भरत हुंकार मन में, भरत जी चुप चुप कर रोते रहे तो भरत भरत हुंकार मन में तो सुद प्रभु ना नगरी कह रही भैया भरत राम से अपने कह रहे दोनों गले लगकर। भरत जी कहने लगे कि मोचन बने दुख के राजीव लोचन और प्रजापा के पल भर में हर्षा गई है और रावण कुमार कर अयोध्या नगरी में हे राम आप आ गए हैं तो बहा कलश के इस कर्ण भेद संस्कार में जिन जिन भैया लोगों को परिवार ने बुलाया उनके लिए भी कह रही हूँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कि आप आ गए हैं तो बहार आ गई है। और रोशनी जी हमारा जवाब देने के लिए आप सब आप आ गए हैं तो बहार आ गई है। और हमारे संजय भैया फिरोजाबाद से कैसेट बनाने आए हैं तो इनसे भी कह रही हूँ कि आप आ गए हैं तो बहार आ। और ये सहयोगियों का भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें वरना ये लोग गाते गाते सुबह तक शहीद हो जाएंगे। बहुत सुंदर सा चक्र आप लोगों ने सुना है और बहुत बढ़िया बात आई है हमारी बड़ी बहन की ओर से। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है अरे मैं प्यासा राही तू पन घट पीरानी
जोड़ी है और कहा है कि आप कार्यक्रम तो करण छेदन के लिए रखा गया है, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, पर हमारी दीदी ने बहुत सुंदर कथानक गाया है। शाबाश शाबाश। आप आ गए हैं, बाहर आ गई है। आदरणीय बड़ी बहन जी, बस निवेदन इतना करूंगी, जब कोई आता है तो बाहर आती है। दादा बैरागी जी, बिल्कुल मगर 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 प्रयास देखिएगा, सुनिएगा मिला क्या है। आपने हर जगह शबरी की बात की, आप आ गए हैं बाहर आ गई है। केवट का प्रसंग आपने गाया, आप आ गए हैं बाहर आ गई है। मगर मगर कांड भी बदल रहे हैं, अयोध्या अरण्य और उत्तर, यानी उत्तर कांड, तीन कांड आपने लिए हैं। प्रयास कर रही है आपकी छोटी बहन है कि आपने गाया है आप आ गए हैं बाहर आ गई है, तो प्रयास कर रही हूँ कि शायद कुछ आ जाए। कैसे? अरे समुचित देखिए प्रिया प्रवीणा, चल रहा है। और बस निवेदन आपसे इतना कर रही हूँ कि लाइन को याद रखिएगा। अरे समुचित देखिए प्रिया प्रवीणा, और जीवन राम तरस आधीना, कंठ सुख मुख आव न पानी, जन पाठिन दीन बिन पानी, बैरागी जी बात कैसी कर रही हूँ। उधर आप आ गए हैं बाहर आ गई है, मगर इधर जब राज 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान राम जाने लगे तो राजा दशरथ ने कहा पुत्र 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 पुत्र, अरे नयन तरस को तरसेंगे, हृदय की
तू आशीर्वाद चाहूंगी। उधर बाप कह रही है आप आ गए हैं तो बाहर आ गई है, मगर इधर राजा दशरथ राम से कहने लगे कि कृपा कर से करते हो क्यों ना कृपा कर, और हृदय की कली मेरी मुरझा रही है। तो दादा बैरागी जी, राजा दशरथ ने कहा राम से कि आप मैंने कहा कि आप जा रहे हो बाहर जा रही है, और ये सम्मानी बड़े भैया रजनीकांत शर्मा जी लखनऊ आ उपस्थित है। आपने इन पंक्तियों के प्रयास पर 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये पुतन तिवारी जी महाराजपुर, आपकी ओर से इन पंक्तियों पर 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार आपको प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। और हमने नहीं इस पर लिखा है कि सुंदर जवाब पर सम्मानी बड़े भैया नरेंद्र यादव जी, मोनू सिंह फौजी, आपने हमारे रचनाकार के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूँ। इसे लिखना तुम्हारा जवाब। और ये भैया अर्जुन श्रीवास्तव जी की ओर से इस प्रयास पर 101 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और सबसे पहले बहन जी को भी नमन कर रही हूँ, 101 रुपए का आशीर्वाद आपके माध्यम से मिला है, धन्यवाद है। और सबसे पहले मोहन हमारे दादा बैरागी जी ने लगाई है, मैं नमन कर रही हूँ, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए, धन्यवाद है दादा को, ये 101 से भी ज्यादा है हमारे लिए। और बड़े भैया कुन्नू सिंह जी लखनापुर रायबरेली, आपकी ओर से जवाब की पंक्तियों पर 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या, अरे कृपा कर से करते हो क्यों ना कृपा कर, तो हृदय की कली मेरी मुरझा रही है, वैरा छोटी बहन कह रही है कि इसमें कांड भी चल रहे हैं। पहली बात जो मैंने ली है वो है अयोध्या कांड से, अब दूसरी बात देखिए अरण्य कांड से ला रही हूं। सर्वज्ञ ने कहा, सुनिएगा, मिला क्या है, क्या के जोग जग के जप तप व्रत कीन्हा, योग जग्य जप तप व्रत कीन्हा, और प्रभु कहे दे भगत पर लीन्हा, तो यही विधि सर रच मुनि सर भक्का, मेरा की दादा सुनिएगा, कि यही विधि सर रच मुनि सर भक्का, और बैठे हृदय के बैठ हृदय छाड़ी सब संगा, दूसरी बात सुनिएगा,
मिलता क्या है, कहा सर्वज्ञ जी ने के रात दिन वापस को लखते के पावन पावन सुनिएगा बहन जी, प्रयास कर रही हो शायद बन जाए, आपको अच्छा लग जाए। ये रात दिन पथ लगते थे पाके पाव पावन डोले और भाई श्री सहित के भाई श्री सहित श्री हरि से पानी बोले भाई श्री सहित जब आए यानी विराजे तो हरि वाणी बोले और कहना पड़ा क्या बड़े, निवेदन करूंगी आप लोगों से, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कहना पड़ा के हर सिद्ध है मन मेरा पाकर सुधर बल प्रभु के आप जा रहे हो यहां भी, क्योंकि आप जा रहे हो मेरा काम नहीं इसलिए मैं भी जा रहा हूं, तो आप जा रहे हो बाहर जा रही है आप जा रहे हो जी। कई कथानक मिल जाएंगे, आप जा रहे हो बाहर जा रही है, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं तो बाहर आ गई, मगर जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ साथ आप जा